इंग्लिश में हूँ शिखा, और शिखा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक डेकोर वीडियो, और ये है मेरा लिविंग रूम डेकोर। तो दिवाली से पहले मैंने किस तरह से अपने रूम को डेकोर किया हुआ है या आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि दिवाली के पहले भी घर में काफ़ी आवाजाही होती है, लोगों का आना जाना लगा होता है। तो थोड़ा बहुत हमें अपने रूम को डेकोरेट करके रखना चाहिए कि अचानक से कोई आ जाए तो बिल्कुल गंदा ना लगे, और क्योंकि घर की सफाई का काम भी इस समय चलता रहता है। तो एक दो रूम ऐसे होने चाहिए हमारे बैठक रूम की वो हमारे अच्छे डेकोरेट रहे। तो अभी मैं कुछ और भी चेंजेस करूंगी दिवाली आने तक, लेकिन दिवाली के पहले मैंने थोड़ी बहुत इसमें तैयारी करके रखी है। अभी इसकी सफाई नहीं हुई है, इसको धुल्ला भरे मगर वो अभी मैंने धुला नहीं गया है। तो उसके पहले की ये मैंने जो तैयारी करके रखी है रूम की वो है, और एक मेरा शॉपिंग वीडियो भी आने वाला है। तो जो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी है वो मेरे शॉपिंग वीडियो में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यदि अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर देना, एंड पहली बार चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरा रूम काफ़ी छोटा सा है और इसी में मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, मुझे जो कुछ भी करना है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती मैं। जहाँ जो कुछ है जैसा जमा हुआ है उसे मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लेती हूँ, कुछ अलग से इसमें मैं नहीं रख सकती हूँ या कुछ और नहीं सोच सकती हूँ कि इसको, जैसे सोफों को मुझे यदि चेंज करना है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि बस इतनी ही जगह है, छोटी सी जगह है, उसी में सब कुछ करना है। इसलिए बस वही देख के मैं थोड़ा अपना डेकोर करती हूँ। तो आज मैंने कुछ डेकोरेट किया है अपने रूम को, तो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इस रूम को किस तरह से सजाया है।